गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी पहले कक्षा में हो और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है। हाँ, आप सभी को ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे मालूम है आप सभी को हिंदी का पीरियड बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज हम कुछ रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो की वर्णों की हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम वर्ण उ से लेकर वर्ण ऐ तक हम आज रिवीजन करेंगे, ठीक है? इससे पहले हमने इन वर्णों की पहचान की हुई है, ठीक है? आपके ध्यान में है ये सब वर्ण? तो देखो बच्चों, ये है हमारा उ वर्ण, ठीक है? तो उ से हमें कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, उन शब्दों की पहचान हमने की हुई है, ठीक है? इस वर्ण के बाद आता है बड़ा उ। हाँ, इस वर्ण की भी हमने पहचान की हुई है। उसके बाद का वर्ण आता है रू। रू से ऋषि। हाँ, और उसके बाद वर्ण आता है ए। ए से कौन सा शब्द शुरू होता है? एडी। हाँ, और उसके बाद वर्ण आता है आई, ठीक है? तो इन वर्णों की पहचान हमने इससे पहले की हुई है। तो बच्चों, हम जब रिवीजन करेंगे तो मैं आपको कई सारे सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है? तो उन सवालों के आपको अच्छे अच्छे से और सही सही जवाब देनी है, ठीक है? तो बच्चों देखो, हमारा पहला सवाल क्या है? देखो, उ वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताओ। तो उ वर्ण से मैंने आपको बहुत सारे शब्द बताए हैं। उ से उल्लू, उपहार, उपवन, उस तरह, ऐसे कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। उसके बाद का हमारा सवाल है बड़ा उ। बड़ा वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताओ। तो बड़े उ से जो ये वर्ण है, उससे जो शब्दों की शुरुआत होती है, उन शब्दों की पहचान हमने इससे पहले की हुई है। तो वो शब्द आपको मुझे बतानी है, ठीक है? उसके बाद का वर्ण है रू। रू वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताओ, ठीक है? उसके बाद ए वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताओ। यानी कि जो वर्ण ए है, वह ए वर्ण से जो शब्द शुरू होते हैं, उन्हें आपको मुझे बताना है, ठीक है? उसके बाद आता है आई। आई वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताओ, ठीक है बच्चों? उसके बाद हमारा 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम बताओ। यानी कि मैं आपको कई प्रकार के चित्र दिखाऊंगी, वो चित्र हमारे वर्णों से जुड़े हुए होंगे, ठीक है? यदि मैं आपको ऋषि का चित्र दिखाऊंगी तो आपको वो ऋषि का चित्र पहचानना है और रू से ऋषि आता है ऐसा मुझे बताना है। ऐसे कई चित्र मैं आपको दिखाऊंगी और उनके नाम आपको पूछूंगी। तो आपको क्या करना है? वो चित्र की पहचान करनी है, ठीक है बच्चों? हाँ, और उसके बाद हमारा सातवां सवाल है वर्ण अ आ ई ई उ ऊ
करोगे, किससे करोगे, अपने पेंसिल से, ठीक है। और मेरे सभी बच्चे कैसे हैं, बहुत ही होशियार है, तो वो इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये U कैसे लिखा है बड़ा, ये देखो ये कैसे गुण है हैंडराइटिंग है। हाँ, इस तरह से आप भी अच्छे से लिखोगे। स और इन दो वर्णों के बीच एक एक उंगली का अंतर रखोगे, इस तरह से, ठीक है, और अच्छे से लिखोगे। तो बच्चों अभी आपका आपके पास ये अ बुक है, ठीक है, अक्षरमाला भाग अ, इसमें से आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी, जैसे आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अई तक वर्णों को लिखा हुआ है या नहीं? लिखा हुआ, सभी ने लिखा हुआ है, हाँ, आई से आई नन तक आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पेज नंबर 31 तक, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी आपको रिवीजन करने के लिए ब बुक में अभ्यास करना है, ठीक है। तो हमारा यह जो ब बुक है, हिंदी अक्षरमाला भाग ब, इसमें से पेज नंबर 8 से लेकर पेज नंबर 13 तक, पेज नंबर 13 तक आपको अच्छी स्वच्छ अक्षर निकाल कर अच्छी गुड हैंडराइटिंग में क्या करना है, ये सब अच्छे से लिखना है, ठीक है बच्चों। और लिखते समय आपको वर्ण लिखते समय आपको बोलना भी है, ऊ से उस्तरा, ऊ से उंगली, ए से एक, ए से एक तारा, इस तरह से बोल बोल कर आपको ये वर्ण लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने वर्ण ऊ से लेकर वर्ण ऐ तक, यानी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए और ऐ, इन पांच वर्णों को गिनो मेरे साथ, एक, दो, तीन, चार और पांच, इन पांच वर्णों की हमने क्या की है आज, रिवीजन की है। और रिवीजन के लिए इन सारे सवालों की हमने क्या की है आज, प्रैक्टिस की है। तो बच्चों आपको अभी इन वर्णों की अच्छी तरीके से पहचान हो चुकी है और इसका हमने अच्छे से अध्ययन भी किया है, ठीक है। और इन वर्णों से शुरू होने वाले कई सारे शब्दों की हमने पहचान भी की है, ठीक है बच्चों। तो घर में रहो, सुरक्षित रहो।